रुक जाओ, नहीं देना है तो मत दो, नहीं तो इस लड्डू को लेकर पीछे से जाओ। ये क्या मुंह के सामने लाते हो और फिर पीछे ले जाते हो लड्डू को? पागल, मेरी चाल ही ऐसी है। ओहो, चाल ही ऐसी है, मैं तो भूल गया था। अच्छा एक बात सुनो मेरी ना, तुम एक छोटी सी मदद करोगे? हाँ, यहाँ ना अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की घूम रही है, उसको क्या तुम मुझसे मिलवाओगे क्या? अंजलि से मिलने की बात कर रहे हो तुम? अरे तुझसे नहीं भाई, मुझसे मिलाने की बात कर रहा हूँ। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अबे तेरी बेटी को मांग लिया ऐसा क्यों कूद रहा है? सुनना, तू मुझे उससे मिलवाएगा तो मैं तुझे तेरी उम्र की औरत से मिलवा दूंगा। जरा इसे यहाँ दो। अबे पागल हो गया क्या? दाएं बाएं हाथ से पुकार क्यों मार रहा है? ए, दोनों हाथों से भूसा बना दूंगा तुम्हारा। रुक जा। तेरे एक हाथ को तो लगवा मारा था ना? अरे ये हाथ नहीं वो हाथ। मुझे पता है कौन सा हाथ, तुम जाओ थाली दे दो मुझे। हर समय तो कहता है इस हाथ में लगवा मारा हुआ है, लेकिन मुझे मारते वक्त इसके बॉडी के सारे पार्ट ठीक हो जाते हैं। भाई इस साड़ी को अलग से रख लेना। क्यों बेटी, लाइन में खड़ी होकर साड़ी लेने की बजाय यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे जो मिलने वाला है, जो देने वाला है, वो खुद ही आकर मुझे दे देगा। आप जरा संभालिए, मैं इसे बना दूँ। अच्छा अपना मुंह बंद करो। अरे अरे धक्का क्यों दे रही है? किसको कह रही हो? आप सब लोग उसे सर पर लेकर नाच रहे हैं। मैं उस देवा की बात कर रही। देवा को? उसने ऐसा क्या किया? हम सब एक परिवार बोलकर अंदर एक और परिवार के साथ जी रहा है। वो एक गुंडा है, ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन लड़की के मामले में वो इतना गिर जाएगा ये मुझे आज पता चला। तेरे बेटे के बारे में बोलने की तेरी क्या औकात है? उसके बारे में क्या जानती है तू? अगर उसके दिल में कुछ नहीं होता तो वो यहाँ सबके सामने उसे साड़ी दे देता, वहाँ अंदर अलग से क्यों दिया? मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। मैं पागल नहीं हूँ नानी, मेरे पास भी दिमाग है। अच्छी बात है, तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ज्यादा दिमाग है, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। अभी तुम उसे गुंडा कह रही थी ना, लेकिन जिस गुंडे को उसने शूट किया उसका नाम था हीरा, उसकी वाइफ है वो। उस हीरा की गलती की वजह से उसकी वाइफ को एड्स की बीमारी हो गई। उसके परिवार वालों को जैसे ही पता चला, उसको और उसके बच्चे को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन देवा ने उस औरत को अपनी बहन की तरह सहारा दिया, और तुम उस पर शक कर रही हो क्योंकि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तुमने इतनी पढ़ाई की है। मुझे ये त्यौहार मनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उस औरत ने कहा कि तुम्हें भी सब लोगों की तरह खुश रहने का हक है, और तुम उसे ये गलत कह रही हो। तुम्हारी नजर में देवा एक गुंडा या मवाली होगा, लेकिन वो एक टीचर है। दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ। बोलो, जो चीज नहीं मिले उसे भूल जाओ। मुझे तो नाखून पर लगा है, ऐसे में तूने भी मेहंदी लगा ली है। वो देख तेरा भाई खाना बना रहा है। क्या हो गया अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो? कोई बड़ी रिस्क थोड़ी ले रहा हूँ, लगे रहे दोस्त की मेहंदी। शंख आग में जले तो उसकी सफेदी नहीं छूटती, शंख आग में जले तो उसकी सफेदी नहीं छूटती। हो चुकी है घर जा सके हो, ट्यूशन खत्म हो चुकी है घर जा सकते हो। ट्यूशन खत्म हो गया अभी घर जाओ। हम जा रहे हैं सर, बाय बाय। ये लो माँ खाओ। इसको क्या हो गया अचानक से? आपको तीखा लगा क्या? मैं खाता देखता हूँ। अरे माँ, इतना तीखा होने के बावजूद आपने कैसे खाया? मेरे बेटे का हाथ का निवाला है, वो कैसा भी हो मेरे लिए अमृत है। माँ, पता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाडला है, इसलिए उस तीखे खाने को भी अच्छी तरह खा रही थी। माँ अभी आ रही हूँ। पगले मैं चलता हूँ। हाँ।
भैया आते समय मेरे लिए मोतियों की माला लाना मत भूलना हा? ए, वो त्रिची में पेपर करेक्शन के लिए जा रहा है, तेरी मोती की माला लाने के लिए नहीं। चलता हूँ। जीतते रहो, रुको। ठीक है माँ, चल रहे। समझदार भैया। आइए सर, एग्जाम पेपर के करेक्शन पर ही आपके दर्शन होते हैं। जल्दी जाएंगे तो हम बस पकड़ सकते हैं। सर हाँ? क्या हुआ? मेरे काम का क्या हुआ? मैंने कर दिया है। अच्छा तो नंबर लेने के बाद भी फेल कर दिया मेरे भाई। सुनो, मैं तो तुमसे नंबर लेकर ही गया था ना। पेपर करेक्शन करते समय कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो अगर एक दो पैराग्राफ भी लिखता तो मैं एक दो नंबर देकर उसे पास कर देता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसे अंडा दे दिया है, उसे धंधा करने के लिए कहो। टीचर कर दी ना गलती, मेरे अंदर एक गंदी आदत है, जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता, समझे? टीचर को तुम क्या समझ रहे हो? चला दूंगा। माता पिता गुरु और भगवान शिक्षा देने वाला ऊपर वाले की तरह है। ऊपर वाले को अगर बनाने आता है तो बिगाड़ नहीं दिया था। मेरी स्टेट से सेंटर तक पहचान है। वापस बोलो। मेरी स्टेट से लेकर सेंटर तक पहचान। कम का पास्ट टेंस क्या होता है तुम बताओ? केम। केम, गुड। इसका पास्ट टेंस क्या है? वाज। गुड। ओहो देवा सर। बोलिए सर। ये आंगनवाड़ी में आया का काम कर रही है। जानता हूँ। ये आपको कुछ बताने के लिए यहाँ आई है। बोलिए बहन जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जा सकते हो। थैंक यू सर। ये स्कूल नहीं तो मेरे हजारों स्कूल है। अच्छा, हजारों स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ भी कोई गलती करेगा तुम उसे भी मारोगे। कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम्हें पता है ना उस बच्ची के साथ क्या हुआ था? देखो माँ, ये सब देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए मैंने उसका खून नहीं किया। क्यों, वो भी करके जेल जाना चाहिए था ना। क्या माँ, आप भी, आपको गर्व होना चाहिए कि आप देवा की माँ हैं। आप उस पर नाराज हो रही हैं। देखिए, मैं एक मामूली सी माँ हूँ, मेरा लड़का एक अच्छा टीचर बने मेरे लिए यही अच्छा है। मैं इस तरह का नहीं हूँ। रोज टिफिन बॉक्स में खाना लेकर जाओ, महीने के अंत में तनख्वाह का इंतजार करो, किसी को भी कोई भी गलती करने दो, किसी को भी मरने दो, मैं ऐसे नहीं रह सकता माँ। जो अन्याय करेगा मैं उसे मारूंगा, मैं इसे गलत नहीं समझता। तुझे माँ चाहिए तो मारपीट बंद कर दे, और अगर मारधाड़ी करनी है तो हमें छोड़ना होगा। इधर आओ। देखो माँ, हमारे घर में भी एक लड़की है, अगर इसके साथ ऐसा हो जाए तो। आप कौन? यहाँ देवा कौन है? भाई है, लेकिन आप? मेरा नाम मदन मोहन है। जय माता बाल मंदिर में मैं टीचर हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। सर, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वहाँ 518 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा एक से लेकर के पांचवी तक के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं और सुरक्षा भी नहीं है। मैंने कई बार मैनेजमेंट को लेटर लिखा और बोला भी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर तुरंत एक्शन लें। ठीक है, तो पिटीशन दे दो। ये लीजिए सर। दे दिया ना, अब जाओ। ठीक है सर।
पागल कहीं का, मुझे सिखाने आता है, क्या करना है मुझे पता है, सर मैं अपनी फाइल भूल गया। सर आप ही ध्यान देख रहे हो, इससे पहले जो भी पिटीशन दिया है उसको मैंने ऐसे ही फाड़ा है, चले। अरे ये क्या? और आगे जो भी दोगे उसको भी मैं ऐसे ही फाड़ूंगा, समझा? तुम्हें जो करना है कर लो तुम। सर वो सिर्फ पैसा देखता है, बच्चों की सुरक्षा नहीं। ये सारी शिकायत मैं किससे करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सर आपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया जब मैंने ये सुना। सर आप स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ही नहीं है बल्कि गलती करने वालों को आप सजा भी दिलाते हैं। सर अगर आप हमारा साथ दें तो उस अधिकारी को हम सजा भी दिला सकते हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं एक मामूली टीचर हूं, ये मेरा काम नहीं है। आप हमारा साथ देते तो बहुत अच्छा होता। मेरे अपने कुछ उसूल है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए, आप जा सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को सजा देने वाला कोई आदमी है, बड़े भरोसे के साथ आया था। कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूं। मैं खुद घटनास्थल पे गया हूं, वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या था। जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है किसकी गलती है मैं बताता हूँ। क्या करेगा तू? आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कुछ भी छोड़ना नहीं। मैंने इस अधिकारी को क्यों मारा है पता है? 48 बच्चों के मौत का कारण ये इडियट है। एसी रूम में बैठकर रिश्वत लेकर चंद पेपर पर तुमने साइन कर दिया और उसी वजह से 48 बच्चों की मौत हो गई। चलो डबे, ध्यान से सुनिए। हमारी सरकार ने यह नियम बनाया है कि हर एक स्कूल की एक एक बिल्डिंग होनी चाहिए और उस बिल्डिंग में होना चाहिए आरसीसी रूम। स्कूल में कम से कम 2 गेट होने चाहिए। बिल्डिंग सही है या नहीं ये देखने के लिए ऑफिसर आना चाहिए। कलेक्टर एक इंजीनियर भी भेज सकता है, फिर वो इंजीनियर स्कूल में आएगा और स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा और 3 साल के लिए बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देगा। और सर्टिफिकेट देने वाला ये इडियट इंजीनियर है और इस भले मानस ने रिश्वत खाकर बिना इंस्पेक्शन किए सर्टिफिकेट दे दिया। जो मैं सही बोल रहा हूँ ना? अब नंबर 2।